लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें बरकत बुटीक को और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि सिलाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ज़्यादा घेर वाली अम्ब्रेला बाजू की कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रही हूँ विद पाइपिन। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ये कपड़ा ले लिया है। इस कपड़े में से सबसे पहले तो हम सिंपल बाजू की कटिंग करेंगे, जो नॉर्मली हम बाजू पहनते हैं। इन बाजू की जो हम कटिंग करेंगे उसके लिए हमने कपड़ा पहले डबल कर लिया, फिर चार तय कर ली है। ये देखिए 8.5 मुझे मुड्ढा रखना है। वैसे आपको बाजू की कटिंग का लिंक नीचे भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर हमें तैयार बाजू 9.5 की चाहिए तो 1 इंच हम उसमें प्लस कर लेंगे, 10.5 इंच कर लेंगे, क्योंकि ये बाजू हमें कोहनी से ऊपर रखनी होती है। तो कोहनी के ऊपर का हिस्सा ही हम नापते हैं। यहाँ पर हम गोलाई ले लेंगे। हमारी गोलाई थी 9 का आधा 4.5, और उसमें हमने 1.5 इंच प्लस कर लिया है। और ऊपर हम 2.5 इंच की इस तरह से गोलाई कर देंगे निशान लगाकर। जैसे भी हम नॉर्मल बाजू काटते हैं सेम वैसी ही हमें कटिंग कर लेनी है। 10.5 इंच का हमने ये निशान लगाया है बाजू का, देखिए। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। बीच में निशान लगा दिया। आगे की कटिंग हम करना चाहें तो कर सकते हैं। ये हमने सीधा कर लिया कपड़ा, ये देखिए हमने आगे की कटिंग भी कर ली है इसकी, यानी नॉर्मल बाजू की तरह इसको हमने काट कर निकाल लिया। अब हम इसमें आगे की तरफ जो अम्ब्रेला हिस्सा लगाएंगे वो हमें 7 इंच का तैयार लगाना है। 7 इंच का तैयार लगाना है हमें वो आगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम ये कपड़ा हमने ले लिया है, और किनारी की तरफ से हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई अगर हमारी तैयार 7 इंच है तो उसमें हम 3 से 4 इंच प्लस करते हैं, यानी 10 या 11 इंच। यहाँ मैं 11 इंच ले रही हूँ। 3 से 4 इंच प्लस करेंगे, 11 इंच ले लिया मैंने 4 इंच प्लस करके। वहीं से कपड़े को लंबाई से डबल कर देंगे, देखिए वहीं से हमने कपड़े को लंबाई से डबल कर दिया है। ये देखिए हमारा कपड़ा डबल हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जो डबल कपड़ा है उसको छोड़ेंगे, बाकी सबको हम काट देंगे इस तरह से, कटिंग कर कर निकाल देंगे। ये देखिए हमने काट लिया है कपड़ा। अब हम इसको चौड़ाई से डबल करेंगे। अभी तक हमने इसको लंबाई से डबल किया था, अब चौड़ाई से, यानी 4 तय कर ली है हमने इसकी। अब हम इसकी एक और तय बना लेंगे चौड़ाई से ही, यानी 8 तय कर लेंगे हम इसकी। अब हमने इसकी 8 तय बना ली है, ये देखिए 1, 2, 3, 4 और 4 नीचे, यानी 8 तय हो चुकी हैं इस कपड़े की। इसका मतलब हमारे दोनों बाजू के जो नीचे का अम्ब्रेला हिस्सा है वो निकल जाएगा। अब हम इसका जो एक कोना है, यहाँ पर जो भी हमारी बाजू की गोलाई होती है कोहनी से ऊपर, उसका चौथाई भाग लेते हैं। तो हमारी बाजू की गोलाई थी 9, तो 9 का चौथाई भाग आता है 2.25 इंच। 2.25 इंच ले लेंगे हम। 2.25 इंच से चाहे 1 पॉइंट कम हो जाए पर ज़्यादा ना हो, और हल्का सा गोल करके निशान लगा देंगे इस तरह से। और जहाँ हमने निशान लगाया है वहीं से हम 7 इंच हमें रखना है, तो 8 इंच का लेंगे, 1-1 इंच प्लस करके सिलाई का। इस तरह से 8-8 इंच लेकर हम वहीं से निशान लगा लेंगे, ऐसे इस तरह से निशान लगा लेंगे। और इन निशानों को गोलाई से मिला देंगे आपस में, देखिए इस तरह से मिला देंगे। ऐसे मिला दिया है हमने निशानों को, गोलाई बना ली है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, ये देखिए। बस ऊपर का हमें यही ध्यान रखना होता है कोने पे कि चौथाई भाग लेना है हमें, जो भी हमारी कोहनी से ऊपर गोलाई है। ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है, और ये देखिए कितनी प्यारी हमारी कटिंग हो चुकी है इसकी, एकदम गोल, और इसमें एक भी जोड़ भी नहीं आता है साइड में। और ये हिस्सा इस तरह से
बाजू में जुड़ जाता है। ये देखिए आपको रख के दिखाते हैं हम। ये देखिए इस तरह से ये हमारी बाजू है और इतना हिस्सा हमारी बाजू का सिलने में चला जाएगा और इस तरह से ये बाजू में जुड़ जाएगा। देखिए कितनी प्यारी लग रही है रखने पर ही, ये कितनी सुंदर नज़र आ रही है। चलिए अब हम इसे सिलते हैं। सिलने के लिए हम सबसे पहले तो बाजू में सिलाई लगाएंगे। ये जो हमारी बाजू है इसमें आगे हमारी गोलाई 4.5 इंच लेनी है, 9 का आधा, 4.5 इंच लेकर इस तरह से यहाँ पर हम 4.5 इंच लेकर सिलाई लगाएंगे। पक्का करके सिलाई लगाएंगे हम यहाँ पर। जैसे भी हम सिलाई लगाते हैं वैसे लगा देंगे। देखिए मुड्ढे तक ले जाकर इसको वापस ले आएंगे सिलाई को। सिलाई लग गई है हमारी। इसमें हम कुटका लगा लेंगे आगे की तरफ। और अब हमारे जो नीचे का अम्ब्रेला वाला हिस्सा है इसको भी ऐसे पकड़कर चारते कर इसमें भी हम कुटके लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से छोटे ही कुटके लगाने होते हैं। और अब हम इसको इकट्ठा करके रखेंगे। बाजू तो हम उल्टी लेंगे लेकिन जो हमारा नीचे का अम्ब्रेला हिस्सा है ये बैल वाला हिस्सा, इसको हम सीधा लेंगे और इस तरह से सिकोड़ कर इकट्ठा करके बाजू के अंदर डालेंगे इसको। और बाजू के अंदर डालने पर हम इसको कुटके से कुटका मिलाएंगे। पहले तो ये देखिए कुटके से कुटका मिला लिया। और दूसरा जो कुटका है हमारा ये वाला, इसको हम सिलाई पर ले आएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो सबसे पहले हम जहाँ सिलाई है वहीं से स्टार्टिंग करेंगे। इस तरह से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से। देखिए कुटके के बराबर कुटका आ रहा है हमारा। ये देखिए यानी बिल्कुल सही आ जाएगी हमारी सिलाई। इसको नीचे मोड़ कर और इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे गोलाई में। और ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई लग चुकी है और बहुत ही अच्छा लुक दे रही है हमारी ये बाजू। ये देखिए दूसरी साइड भी इतनी ही फिनिशिंग के साथ सिलाई लगी है। और ये देखिए कितना इसमें घेर है और एक भी जोड़ नहीं है इसमें नीचे। अब हम इसके आगे के पल्ले या तो मोड़ सकते हैं या फिर इसमें पाइपिंग लगा सकते हैं। तो मैं आपको पाइपिंग लगा के दिखाऊंगी। उसके लिए हमने ये पिंक कलर का कपड़ा ले लिया है। इसको हम ओरेप पट्टी में इस तरह से काट लेंगे। 2.25 इंच की हम ओरेप पट्टी काटेंगे। ओरेप पट्टी की कटिंग का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखिए हमने ओरेप पट्टी की कटिंग कर ली है। इस तरह से हम कई सारी ओरेप पट्टी काट लेंगे और जोड़ लेंगे। ये देखिए हमने ओरेप पट्टी काट कर जोड़ ली है। अब हम इसको प्रेस की हेल्प से मोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये ध्यान रखना है हमने ये 2.25 इंच की काटी है। हमें बढ़वा पाइपिंग लगानी है इसलिए इस तरह हमें पूरी पट्टी को मोड़ मोड़ कर प्रेस कर लेनी है। और ये देखिए हमारी पट्टी पूरी पट्टी पर प्रेस हो चुकी है। और अब हम इसको इस बाजू में लगाएंगे। तो हमारी बाजू में जोड़ तो है नहीं इसलिए हम जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई है उसकी सीध में लेकर उल्टी साइड से ये पट्टी लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से बिल्कुल किनारे से हम सिलाई नहीं लगाएंगे पाइपिंग की, थोड़ी सी आगे बढ़ाकर रख लेंगे मशीन को। और जो सिलाई हमें लगानी है वो एक पैर की लगानी है, मशीन के एक पैर की सिलाई लगानी है हमें। और पट्टी को खींचना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए इस तरह से हमें एक पैर की सिलाई लगाते चले जानी है पूरी बाजू में। और ये देखिए हमारा जो अम्ब्रेला हिस्सा है इसमें पूरे में ये पट्टी लग चुकी है। अब हम इसमें कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा पट्टी की और सिर्फ इतनी ही पट्टी छोड़ेंगे
जितनी हमारी सिलाई में दब जाए, इसको हम जोड़ लेंगे पट्टी को, तो जितनी हमारी जुड़ने में आ जाए उतनी ही हमें पट्टी इसमें छोड़नी है। इस तरह से पकड़कर हम जोड़ देंगे पट्टी को, ये देखिए इस तरह से जोड़ देंगे और दोबारा से थोड़े से हिस्से की सिलाई लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। और अब हमारी ये पूरे बैल वाले हिस्से में ये ओरे पट्टी लग चुकी है, और ये ओरे पट्टी हमने उल्टी तरफ से लगाई थी और अब हम ये सीधी तरफ पलट देंगे, इस तरह से सीधी तरफ पलट देंगे। और हमें सिर्फ इतनी ही ये पट्टी ऊपर चढ़ानी है जितनी में सिलाई सिलाई छिप जाए, ये देखिए सिर्फ सिलाई सिलाई छिपानी है हमें इसकी, ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ानी है ये पट्टी। इस तरह से हमें हल्के हाथ से मोड़ना है, इसको खींचना नहीं है। और ये जो पूरा पोर्शन है हमारा गोलाई वाला अम्ब्रेला वाला, इस पे पूरे पे हमें ये लगा देनी है, देखिए इस तरह से दोनों तरफ ये पट्टी बराबर आती है ऊपर और नीचे, इस तरह से सारे में लगा लेंगे हम, इस तरह से हम लगा लेंगे, ये देखिए जोड़ आ गया है, इसको भी हम इसी तरह से दबा देंगे यहाँ पर, ये देखिए हमारी पाइपिंग लगकर तैयार हो चुकी है। और देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ये बाजू बनने के बाद, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इस बाजू का, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।